हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के विषय हिंदी के मूल्यांकन पत्रक 2 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो इससे पहले हमने फर्स्ट का सॉल्यूशन देखा था, अब देखेंगे हम सब्जेक्ट हिंदी के मूल्यांकन पत्रक 2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं, आपका समय रहेगा 2.5 घंटे, पूर्णांक हैं आपके 80 मार्क्स। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना गद्य भाग से, ठीक है। अंक रहेंगे जिसमें 22 मार्क्स। इसमें सही उत्तर का क्रमाक्षर आपको कोष्टक में लिखना है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं आपके वैकल्पिक प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। तो जब हम मताधिकार देना जो हमें स्टार्ट हो जाता है, हम मत देना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कौन सी उम्र होती है? 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र से मतदान देने का अधिकार रहता है सभी को। यह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार पटेल ने किस पद को सुशोभित किया? तो यहाँ लिखेंगे गृह मंत्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, उदय सिंह की देखभाल करती थी, तो उदय सिंह की देखभाल करती थी पन्ना भाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महारावल राव जैसल ने। इनके नाम पर जैसलमेर बना। रेडर और कैचर में अंतर बताइए। तो रेडर विपक्षी पाली में कबड्डी देने जाने वाले खिलाड़ी व कैचर पकड़ने वाला खिलाड़ी होता है। जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता को जीवन को बदल दिया? उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। जब उन्होंने प्रवचन उनके सुने तो जो उनका वो जीवन है वो संपूर्ण रूप से बदल गया। निम्न प्रश्नों के उत्तर, ये क्वेश्चन 7 है, सदाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो आंसर लिखेंगे, सदाचार जीवन में सफलता दिलवाते हुए मंजिल तक पहुंचाता है। 8th क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य की क्या निशानी है? तो लिखेंगे शरीर का निरोगी होना व इंद्रिया मन व आत्मा का प्रसन्न रहना। 9th क्वेश्चन है, खंड ए के शब्दों को खंड ब के शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ मिलान करना है आपको, मार्गेट एलिजाबेथ नोवेल को मिलान करेंगे भगिनी निवेदिता से, सन्यासी से मिलान करेंगे स्वामी विवेकानंद, समाचार पत्र को मिलान करेंगे कर्मयोगी, अस्तो मा सद्गमे वेद की पावन ऋचा से मिलान करेंगे। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे, है ना, श्लोक है, बहुत बार बोला जाता है प्रार्थना स्थल पर भी। 10 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से रीड करना है, देन इससे रिलेट जो क्वेश्चन है, इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन उनके आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालक ने अपना स्वप्न पहले किसी को क्यों नहीं बताया? तो आंसर लिखेंगे, क्योंकि उसे डर था कि ईर्ष्या लोभ और अपमान के कारण वे लोग उसे मार देते। किन गुणों से व्यक्ति महान बनता है? तो आंसर लिखेंगे, कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से व्यक्ति महान बनता है। हम अपने विचारों को साकार रूप किस प्रकार दे सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे, विचारों की व्यर्थ चर्चा ना करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। 4th क्वेश्चन है, बालक स्वप्न में क्या चिल्लाया? तो चिल्लाया, अहो मेरा ऐसा भाग्य। नेक्स्ट है पद्य भाग, जिसमें अंक रहेंगे आपके 13। 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर 15 अगस्त है, तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन के, आज़ादी का दिवस। नेक्स्ट, हम भारत की भरत कविता में भारतवासियों की किन विशेषताओं को बताया गया? कोई 3 लिखिए, निडरता, वीरता और बलिदान। ये सभी चैप्टर मैंने रीड करा रखे हैं कक्षा 5 के। अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं देखा है या फिर आप समझना चाहते हैं किसी चैप्टर को, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन चैप्टर को रीड आउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी गद्य भाग, पद्य भाग, सभी के सारांश, भावार्थ पद्य भाग के, ठीक है, बताए हैं, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ आएंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको सारे लेसन्स अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो अपने एग्ज़ाम में। 13 है, दीपावली का त्यौहार कब और कैसे मनाया जाता है? तो आंसर लिखेंगे, दीपावली का त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को दीपक जलाकर रोशनी करके मनाया जाता है। 14 है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका चयन करना है आपको, दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है जिनमें से करेक्ट शब्द को। जैसे पहला है, किताबों में रिक्त स्थान की भरमार है, तो यहाँ लिख देंगे ज्ञान, किताबों में ज्ञान की भरमार है।
साईं इतना दीजिए जामे रिक्त स्थान समाए। तो कुटुम्ब लिखेंगे यहाँ पर, जो गरीब परहित करे ते रहीम बढ़ लो, एक दूसरे के सुख दुख में यहाँ लिख देंगे मिलकर बैठे हाथ बटाए। मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है, कभी दहकने कभी महकते जा जीते मरते शान से। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। अब आपका रहेगा व्यावहारिक व्याकरण, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आपके गद्य भाग से संबंधित आए थे, देन पद्य भाग, अब देखेंगे व्याकरण। 15 क्वेश्चन है, जल का समानार्थी शब्द, तो जल का समानार्थी दिए गए शब्दों में है तोय। ठीक है, जल नी तोय पानी अम्ब अम्बु है ना, तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है 16 में, ए है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाल की खाल निकालना, मोहन बार बार प्रश्न पूछकर बाल की खाल निकाल लेगा। बाल की खाल निकालना मतलब बहुत गहराई तक जाना। हाथ पाँव फूलना यानी बहुत ज़्यादा हम घबरा जाते हैं ना, तब हाथ पाँव फूल जाते हैं। अचानक शेर को देखकर मेरे हाथ पाँव फूल गए। वह निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर पुनः लिखिए। राजा रानी, पड़ोसी पड़ोसन, पति पत्नी और कवि कवित्री। 17 का ऑप्शन ए है, जिसमें 17 में क्वेश्चन ए है, दिए गए वाक्य में से क्रिया व संज्ञा पद छाटिए। शेर शिकार करता है, तो यहाँ क्रिया है शिकार करना और संज्ञा है शेर। दिए गए वाक्य में सर्वनाम व विशेषण पद छाटिए, तो यहाँ है सेंटेंस, यह मीठा गन्ना है। सर्वनाम हो जाएगा यह है, विशेषण हो जाएगा मीठा। किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज में लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। 18 क्वेश्चन है, ए है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। उपग्रह में मूल शब्द है ग्रह, उपसर्ग है उप, निर्वासित में नि उपसर्ग है और वासित आपका मूल शब्द है। वह है निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द प्रत्येक को अलग कीजिए। रहस्य में, तो यहाँ रहस्य और मैं हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा यहाँ पर रहस्य। ध्यान पूर्वक में ध्यान आपका मूल शब्द है, पूर्वक आपका प्रत्यय है। ठीक है, अब है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें 19 क्वेश्चन है, स्वच्छता विषय पर अध्यापक और छात्रों का संवाद लिखिए। तो आपको क्या करना है कि संवाद लिखना है स्वच्छता विषय पर। जैसे यहाँ ऐसा देखते हैं, शिक्षक, बच्चों आज हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ेंगे। किस किस बच्चे को पता है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में? तो छात्र बोलते हैं, मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2009 में लागू किया। शिक्षक, सोहन क्या तुम्हें पता है ये अभियान क्यों लागू किया गया? तो छात्र बोलता है, मोदी जी ये अभियान मोदी जी ने भारत को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए लागू किया था। नेक्स्ट लिखेंगे, शिक्षक बहुत अच्छे सोहन, तुमको इस अभियान के बारे में बहुत कुछ मालूम है, अब इस विषय पर एक निबंध लिखो। तो छात्र जी, अध्यापक जी। ठीक है, यहाँ डेट सही कर लीजिएगा, ये 2019 है, 2009 नहीं है। ठीक है, ओके, अब देखेंगे 20वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसी एक कहानी को कल्पना के आधार पर लिखिए। भेड़िया और मेमना, घमंडी बारा सिंगा, अथवा आपके इसके अथवा में है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में निबंध लिखना है आपको। रक्षाबंधन, विज्ञान के चमत्कार, यदि मैं प्रधानाध्यापक होता और अनुशासन। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पर आपको कहानी बता देती हूँ। एक बार एक जंगल में एक भेड़िया रहता था, वह बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। वह एक नदी के पास गया, पानी पीने लगा। उसे नदी के पास एक मेमना देखा, वह मेमना भी वहाँ चुपचाप पानी पी रहा था। भेड़िया मेमना को देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैंने कुछ दिनों से किसी मेमने का मांस नहीं खाया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये सोचकर भेड़िया मेमने को मारने की तरकीब निकाली और चिल्लाने लगा और मेमना से कहा, तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? मेमना ने कहा, यह पानी आपकी ओर से मेरी ओर बह रहा है। इसे सुनकर भेड़िया गुस्सा हो गया। यह देखकर मेमना डर गया और भेड़िया बार बार उस मेमने को देख रहा था। उसके मुँह में पानी भर गया, मेमना डर से कांपने लगा। भेड़िया उसके कुछ ही दूर में था। मेमना ने कहा, आप जहाँ पानी पी रहे हो वह जगह ऊंची है, नदी का पानी मेरी तरफ नीचे की ओर बह रहा है। ऊपर से बहकर नीचे आते हुए पानी को भला मैं कैसे गंदा कर सकता हूँ? ऊपर से बहकर नीचे तो मेमना की बात सुनकर भेड़िए ने गुस्से से कहा, ये बताओ कि एक साल पहले तुमने मुझे गाली क्यों दी थी? भेड़िए की बात सुनकर मेमना ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है, एक वर्ष पहले तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, आपसे कोई जरूर भूल हुई है। मेमना बहुत घबरा गया था। भेड़िया ने सोचा, मौका अच्छा है,
और कहने लगा, मूर्ख, तुम एकदम अपने पिताजी के जैसे हो। ठीक है, अगर तुमने गाली नहीं दी तो तुम्हारा बाप होगा जिसने मुझे गाली दी थी। एक ही बात है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर भेड़िया ने मेमना के ऊपर टूट पड़ा और मेमना को मार दिया। कहानी किसी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह से ये कहानी थी। आप कोई भी एक निबंध भी लिख सकते हैं। मैंने अपने जो चैनल है उसमें कई प्रकार के निबंध आपको बता रखे हैं, वहाँ से भी आप इन निबंध को देख सकते हैं। जैसे रक्षाबंधन हुआ, अनुशासन हुआ, ठीक है, और विज्ञान के चमत्कार। यदि मैं प्रधानाध्यापक होता तो इससे रिलेटेड भी आपके गृह कार्य की जो आई हुई है उनमें मैंने बहुत बार बता रखा है ये जो निबंध लिखन है। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कहानी देखी है, आप जो निबंध है वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें आपको लिखना है क्रिकेट के खेलने हेतु जो आपको स्वीकृति होती है। तो यहाँ इस तरह से लिखना है आपको, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय महानगर गर्ल्स स्कूल 12 विषय लिखेंगे मैच खेलने की स्वीकृति देने हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सभी ने निवेदन है कि यदि हमारे स्कूल मॉडर्न स्कूल इंदिरा नगर 12 की जूनियर टीम आपके स्कूल की जूनियर क्रिकेट टीम से 28 मार्च 2018 को आपके स्कूल के क्रीड़ा स्थल पर 1 बजे अपराह्न एक मैट्रिक क्रिकेट मैच खेलना चाहती है, अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, खेल की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। यहाँ पर लिख देंगे प्रार्थनी, ठीक है, नाम लिख देंगे 17 मार्च 2018, जिस डेट को ये प्रार्थना पत्र लिखना है वो लिख देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट होता है ये प्रार्थना पत्र। तो आप भी इसी तरह से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी विषय से रिलेटेड प्रार्थना पत्र उपलब्ध हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, दिए गए वाक्य को पढ़कर वर्ग पहेली पूर्ण कीजिए। आपको पहेली पूर्ण करनी है, हमारे देश का नाम क्या है, भारत। संत का विलोम असत, बहिन का समानार्थक भगिनी, वजन का समानार्थक भार, तरल पदार्थ यानी रस, आंख का पर्यायवाची हो जाएगा नहीं। अब है परिवेशी सजगता, जिसमें 23वां प्रश्न है, स्वच्छता से आपका क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। सड़क पर पैदल चलते समय बरती जाने वाली सावधानियां लिखिए। तो यहाँ आपको कोई दोनों ही जो है क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ स्वच्छता वाले का। स्वच्छता का अर्थ होता है अपने वातावरण, स्वयं को हानिकारक तत्व जैसे गंदगी, कीटाणु आदि से बचाना। स्वच्छता का आशय शरीर और वातावरण में उत्पन्न हुए मल को उचित समय पर स्वच्छ करना होता है। स्वच्छता को मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम वातावरण, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता के नाम से जानते हैं। इसी तरह से आपको सड़क पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो लिखना है आपको, जैसे फुटपाथ पर चले सड़क पर नहीं, जहाँ फुटपाथ ना हो वहाँ सामने से आने वाले ट्रैफिक की तरफ मुंह करके ना चलें, जिससे आप देख सकें कि सामने से आपकी तरफ क्या आ रहा है। क्योंकि ट्रैफिक सड़क की बाई ओर चलता है, इसलिए आपको दाई तरफ चलना चाहिए ताकि आप वाहनों को देख सकें। अगर किसी वाहन को चालक सावधानी से नहीं चला रहा है तो आप वाहन को चालक सावधानी से नहीं चला रहा है तो आप अपने आप को बचा सकें। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे यदि आप पीछे से आते वाहनों की ओर पीट करके चल रहे हों। यह सुनिश्चित करें आप वाहन चालकों को दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर रात के समय। हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे कि पीले सफ़ेद रंग के, फिर अपने कपड़ों पर रिफ्लेक्टर लगाएं, यह रात के समय आसानी से दिख जाते हैं। स्कूल, बाजार, मित्र के घर के जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता पहले से सोचकर और प्लान करके रखें। यदि आप चल सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते तो सड़क पार करते समय अपने साथ चमकीली रंग की छड़ी अवश्य रखें ताकि वाहन चालक सावधान रहे और गाड़ी धीमी कर ले। तो इस तरह से जो सावधानियां हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पूरा पेपर। 23 प्रश्न हमने किए हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी प्रश्नों के आंसर देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आएगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको हमारी चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।